ऑनरेबल उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सैयद अब्दुल मन्नान साहब, मोहतरम डॉक्टर शकीर साहब, जनाब अब्दुल सत्तार दर्जी साहब, जनाब अजीज पाशा साहब, उस्ताद मोहतरम डॉक्टर तकी खान साहब, मौजूद सामीन, मालिदा हूं वो आवाज मुझे आज मिला इस अखीर को ये मौका दस्तियाब हुआ कि उसका मुताला करें तो हमको मालूम होगा कि 1907 में तकरीबन कि 1918 यूनिवर्सिटी के फरमान शाही के तासीस से पहले जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर को शुमार किया गया था तो जो जुमले रविंद्रनाथ टैगोर ने कहे थे कि मुझे वो दिन देखना नसीब हुआ कि विदेशी जबान की बजाय देसी जबान में और उस्मानिया यूनिवर्सिटी उर्दू जबान में जरिए तालीम का मकसद रखती है और ये मेरे लिए बहुत ही खुश आइंदा होगा। यकीनन अगरचे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी बरे सगीर की साथ ही पुरानी यूनिवर्सिटी 1924 से लेकर 1950 तक जिसमें लॉ और इंजीनियरिंग और मेडिसिन के प्रोफेसर सैयद अब्दुल मन्ना साहब यहां पर तशरीफ रखते हैं, उनका करीब तजुर्बे के बाद मैं उर्दू का वकील हूं। मेरा सवाल यह है कि जब एक यूनिवर्सिटी ने 25 साल तक तीन उमदा प्रोफेशन को उमदा तरीके से अंजाम दिया तो इसको रिवाज इसका रिवाज क्यों खाते मुस्तहसन और एक हिम्मत अफजाई का आयता सवाल यह है कि इस अजीम जबान उर्दू में जब हमने प्रोफेशनल स्टडीज को 25 साल तक और कोई उर्दू यूनिवर्सिटी किसी मुकाम पर इन तमाम प्रोफेशनल्स का उर्दू में तालीम का निशान जारी है तो ये एक मेरे लिए एक तहकीकी तालिबे इल्म के लिए यह मसला दुश्वार है कि इस जबान में जब दारुल तर्जुमा और वज़ीर इस्तेलाल की कमेटी जिसमें प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम जैसी शख्सियत जिसमें नज़्म तबातबाई जैसी शख्सियत जिसमें अब्दुल्ला उमानी जैसी शख्सियत जिसमें खलीफे जैसी शख्सियत इन इतलाफें जो बनी गई थी और 1939 तक 50,000 से ज्यादा इस्तेलाफें बनी तो फिर वो इस्तेलाफें सिवाय तीन किताबों के कहां। 1939 से लेकर 1948 तक जब इस्तेलाहातों का काम चला है तो वो इस्तेलाहें कहां। मुझे आर्कियूज में यह मिलता है कि 1968 में वो तमाम किताबें जो गैर मतबूआ थी प्रिंस मीर बरकत अली खान बहादुर को तोहफतन पेश कर दी और प्रिंस ने उसे निजाम ट्रस्ट लाइब्रेरी के सुपुर्द कर दिया। एक एक इस तरह के लिए पालो हुकूम मुश्किल और वहां बैठ कर उन्होंने इस तरह की अगर आप मेरे पास वो ओरिजिनल किताब जो सही उर्दू अदब का ये खजाना उर्दू अदब की ये इस्तेलाहें उर्दू अदब का ये इतिहास ये तरक्की का मिजान इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। बताना चाहिए ये असासा है और ऑनरेबल इस यूनिवर्सिटी के उस शोबे के बारे में गुफ्तगू हो रही है क्योंकि ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी एक छोटी सी मिसाल देकर आपकी
जहमत को तमाम करता हूं, आजकल हमारे मेडिसन में जो सबसे अहम रिसर्च चल रही है गुज़िश्ता 4 साल में, उसे कहते हैं स्टेम सेल, यानी एक सेल को लेकर जो सेल भी आपके बॉडी तालिक रास्ते से आएंगी तो वो अरबी होगी या फारसी होगी। अब ये बताइए कि अगर स्टेम सेल को अगर अजम ने सेलुले बुनियादी का जिन्होंने स्टेम सेल में सबसे अहम काम किया, सबसे पहले नंबर पर ब्रिटेन है, दूसरे नंबर पर फ्रांस है, तीसरे नंबर पर ईरान है, चौथे नंबर पर इसराइल है, अमेरिका तो अभी 24वें नंबर नहीं बन सकता। इसी वजह से फलसफे में और शेरियात में तो जबान में तालीम दी जाए जो देसी जबान हो, वो तेलुगु हो, वो मराठी हो, वो कन्नड़ी हो, वो उर्दू हो, जबान की है। आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि ये जबान फैल रही है, जबान एक सैलाब है, इसको जंजीरों में जकड़ा नहीं जा सकता। आज हमारे शुमाली अमेरिका में 40 से ज्यादा उर्दू अखबार निकलते हैं जो हफ्तावार हैं, और हम इसीलिए यहां पर हाजिर होते हैं कि इन उर्दू की नई बस्तियों